आज का दंगल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली सशर्त जमानत को लेकर हो रही राजनीति पर है। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, बस कुछ ही देर में तिहाड़ जेल से निकलने वाले हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल समेत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त तिहाड़ जेल से निकल सकते हैं अरविंद केजरीवाल। आपको बताते चले, शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। सुनीता केजरीवाल तिहाड़ जेल के बाहर ही मौजूद हैं। दिल्ली सरकार के कई मंत्री, कई नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। लगातार वहां पर नारेबाजी भी होती रही। कोर्ट से तिहाड़ जेल भेजा गया है आदेश। जेल से सीधा मुख्यमंत्री आवास जाएंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी राहत की सांस आज ली है आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है। आम आदमी पार्टी वहां पर चुनावी मैदान में है, अकेले दम ठोक रही है। तो वहीं इसके बाद आपको बताते चले, दिल्ली में सभी की निगाहें, क्योंकि दिल्ली को लेकर सबसे बड़ा दंगल होने वाला है। फिलहाल थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे। जैसे ही वो तस्वीरें सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। थोड़ी देर पहले ही बेल बॉन्ड और श्योरिटी मंजूर की गई और कोर्ट ने रिलीज ऑर्डर भी जारी कर दिया था। केजरीवाल के निकलते ही हम आपको तिहाड़ की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले बता दें, शराब घोटाले में जेल गए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाले केस में सशर्त जमानत दे दी है। इस फैसले के साथ ही आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। पार्टी मुख्यालय में नेताओं, कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा है। पंजाब से सीएम भगवंत मान भी आ चुके हैं। थोड़ी देर में सीएम केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई होने वाली है। खबर है कि जेल से निकलते ही मुख्यमंत्री केजरीवाल का जोरदार स्वागत किया जाएगा और फिर वो सीधे सीएम आवास जाएंगे। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस जमानत के बाद दिल्ली में राजनीतिक बयानबाजी की जंग छिड़ गई है। बीजेपी सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत भले दे दी हो, लेकिन ना तो गिरफ्तारी को गलत बताया और न ही किसी आरोप से मुक्त किया है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी शर्तें लगा दी हैं कि सीएम केजरीवाल ना तो अपने दफ्तर जा पाएंगे और ना ही अपनी मर्जी से कोई भी फाइल साइन कर सकते हैं। बीजेपी का कहना है कि जब दिल्ली के लोगों का कोई काम सीएम दफ्तर से नहीं हो सकता तो पद पर बने रहने का क्या है मतलब। उधर आम आदमी पार्टी ने फैसले में सीबीआई को लेकर की गई सख्त टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर हमला किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अपने फैसले में सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर गंभीर सवाल पूछे हैं। जस्टिस भुइयां ने यहां तक कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता वाली धारणा से मुक्त होना चाहिए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को मिली जमानत को आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में बेगुनाही का सबूत मान सकती है? क्या सीएम दफ्तर का काम करने में असमर्थ केजरीवाल को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? और क्या सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से शराब घोटाले की जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं? पक्ष विपक्ष के ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली तो आम आदमी पार्टी के जश्न का ठिकाना नहीं रहा। कहीं ढोल नगाड़े, कहीं मिठाइयां, तो कहीं बधाइयां। जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। आज उत्साह का दिन है, एक खुशी की लहर दौड़ गई है, ऐतिहासिक दिन है। जमानत की खबर आते ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लेकर तिहाड़ तक और राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर सीएम केजरीवाल के घर तक एक साथ हलचल शुरू हो गई। केजरीवाल को जेल से घर तक पूरे शानो शौकत और जश्नो जुनून के साथ पहुंचाने की तैयारियां शुरू हो गई। शराब घोटाले में सीबीआई के केस में मिली जमानत को आम आदमी पार्टी सत्य की जीत बता रही है, मगर ये जीत सशर्त है। और शर्त है कि केजरीवाल को जमानत मिली मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकेंगे, यहाँ तक कि दिल्ली सचिवालय भी नहीं जा सकेंगे। बिना उपराज्यपाल के निर्देश के किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। सीबीआई के केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इस केस के किसी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। 10 लाख रुपए का मुचलका भरेंगे। निचली अदालत में हर तारीख पर मौजूद रहेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। अदालत ने जमानत की शर्तें तो तय कर दी, मगर सियासत ने अपने मुद्दे तलाश लिए। बयानों की मुठभेड़ शुरू हुई तो आपने कहा कि संविधान की जीत हुई। बीजेपी ने कहा कि बिना काम का सीएम इस्तीफा सौंपे। आपने कहा सत्य की जीत हुई। बीजेपी ने कहा सशर्त जमानत आरोप मुक्ति नहीं। आपने कहा साजिश नाकाम हुई। बीजेपी ने कहा गिरफ्तारी अब भी जायज। आपने कहा सारे आरोप झूठे हैं। बीजेपी ने कहा अदालत में कोई आरोप निरस्त नहीं हुआ।
जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। भारत के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि पीएमएलए के मामलों के अंदर बेल हो रही है। उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। क्या कोई भी जमानत जो है वो बेगुनाही का सर्टिफिकेट है क्या? जमानत पर ये जुबानी जंग सीजर की पत्नी की तरह ईमानदार होना चाहिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो, आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में फिर ये कहा है कि सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार जांच एजेंसी की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर रही है। अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि जब कोई आरोप निरस्त नहीं हुआ, गिरफ्तारी जायज है, जमानत सशर्त है, सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, तो पद पर क्यों है? जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। वैसे सीएम केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर भले न जा सकें, लेकिन आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और फिर अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी सियासत करने के लिए आजाद हो चुके हैं। और अब उनकी ये आजादी चुनावी मैदान में किस दल का गणित गड़बड़ करेगी और किसे फायदा होगा, ये देखना अभी बाकी है। पंकज जैन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। एक सीधे आपको ग्राउंड जीरो लेकर चलते हैं। तिहाड़ जेल में मौजूद है हमारे साथ, तिहाड़ जेल के ठीक बाहर हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता। पंकज जैन इस वक्त सीएम आवास से जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हिमांशु आपका रुख करते हुए, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लेने के लिए पहुंचे हैं जेल के गेट नंबर 4 से, वो बाहर आ सकते हैं, कितना वक्त लगेगा, क्या वक्त दिया गया है जेल से रिहाई के लिए? देखिए चित्रा, जो अनुमान था कि 5 बजे से 6 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस था पूरे दिन का वो काफी लंबा चौड़ा था। सुप्रीम कोर्ट से सबसे पहले फिर पहुंचता है वो राउत एवेन्यू कोर्ट में, फिर शर्तें फिक्स की जाती हैं और सिक्योरिटी जमा करने के बाद वहां से परवाना तिहाड़ जेल पहुंचना था। और जो जानकारी मिली है कि तकरीबन 4:15 राउत एवेन्यू कोर्ट से एक शख्स परवाना लेके निकला है तिहाड़ जेल के, इसी जेल नंबर 4 में उसे पहुंचना है और उम्मीद है कि अगले 10-5 मिनट में कभी भी वो यहाँ पहुंच सकता है। एक बार जब परवाना यहाँ पर जेल अधिकारियों को मिलेगा तो उसके बाद यहाँ पर जो लीगल कार्रवाई है तकरीबन उसमें आमतौर पर तो ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि 15 मिनट का वक्त उसमें लगेगा। जैसे ही कोई खबर सामने आई हिमांशु, प्लीज आप बताइएगा, वहां पर लगातार बारिश भी हो रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। पंकज जैन का रुख कर लेते हैं, बड़े ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। पंकज तस्वीरें दिखाइए, क्या है माहौल, नेता क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, और तेज बारिश लगातार हम यहाँ पर दोपहर के बाद से देख रहे हैं चित्रा, और आपको तस्वीरों के जरिए सीधे दिखाते हैं, बारिश और भी तेज हो गई है, अब लगता है चाहते कि जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ देखिए, शादी बारात में जो ढोल नगाड़े बुलाए जाते हैं, वही ढोल नगाड़े इस तेज बारिश के बीच में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर नजर आ रहे हैं। फूलों की बारिश की जा रही है और यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के समर्थक जबरदस्त नाच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जोश है तमाम आम आदमी पार्टी के समर्थकों का। और कुछ देर पहले यहाँ आतिशबाजी भी की गई, तस्वीर आप देखते रहिए, क्योंकि दोपहर में जब यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे थे तो वो खुद ढोल धमाके लेकर पहुंचे और नाचते नजर आए। और अब जब अरविंद केजरीवाल का इंतजार तमाम पार्टी के बड़े नेता तिहाड़ जेल के बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ पर
समर्थकों के जुटने का सिलसिला तेज हो गया है और जबरदस्त यहाँ पर भीड़ है तमाम आम आदमी पार्टी के समर्थकों की और पोस्टर लेकर भी यहाँ पर कुछ समर्थक पहुंच रहे हैं। ये दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर लिखा है केजरीवाल आ गए। यहाँ पर इस तरह के कई पोस्टर हमें नजर आ रहे हैं और ये नजारा है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बाहर का। यहाँ पर इस वक्त ढोल गगारों पर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। चित्रा, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और पीछे धुन भी आप सुन रहे हैं। ये देश है वीर जवानों का आमतौर पर शादियों में हम देखते हैं कि ज्यादा इसको बजाया जाता है, लेकिन आज माहौल वहां पर अलग है। आम आदमी पार्टी के लिए उत्साहित होने का ये दिन है यकीनन। अरविंद केजरीवाल 156 दिन जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई हो रही है। मुझे लग रहा है अगर आप कुछ लोगों से बातचीत, जरा पीछे की भी तस्वीरें दिखाएं और इसी के साथ जानकारी दें सुनीता केजरीवाल कहां है, बाकी के जितने भी मंत्री हैं वो लोग कब पहुंचेंगे तिहाड़ जेल उनको लेने के लिए, क्या खबर इस बाबत पंकज? बिल्कुल चित्रा, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अंकित, यहाँ पर ये तमाम समर्थक पहुंचे हैं, स्वागत की क्या क्या तैयारियां? देखिए, ये आज दिल्ली का बेटा आज दिल्ली की जनता के बीच में पहुंच रहा है और लाखों महिलाएं, लाखों माताएं, लाखों बहनें और लाखों नौजवान साथी अपने बेटे अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने के लिए आए हुए और पूरी दिल्ली की माताओं की दुआ है, पूरे देश की माताओं की दुआ है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। तैयारी आगे की तैयारी, हर इलेक्शन में हरियाणा देखेंगे, हरियाणा जीत गए, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। तो यहाँ आपने चित्रा सुना और तस्वीर के साथ साथ आपको जानकारी देता हूँ कि यहाँ पे सुनीता केजरीवाल भी अब से कुछ समय पहले रवाना हुई है तिहाड़ जेल के लिए। वहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पंजाब से दिल्ली आए भगवंत मान और साथ ही मनीष सिसोदिया, राज्यसभा के तमाम सांसद, पार्षद, विधायक तिहाड़ जेल के बाहर इस वक्त पहुंच गए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी वक्त अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो उन्हें वहां से लेकर सीधे सिविल लाइन। यहां पे ये देखिए मास्टर बैंड हमें नजर आ रहा है और ये तस्वीर देखिए यहां पे क्या पुरुष का महिला कार्यकर्ता सभी में यहां पे जबरदस्त जोश हमें नजर आ रहा है। तो पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को लेने गए हैं कार्यकर्ता, इस वक्त सीएम आवास के बाहर इकट्ठा हुए हैं और इसके बाद यहां पर एक बड़े रूप में सेलिब्रेशन करने की तैयारी भी की जा रही है। चित्रा, ठीक है, मैं दोबारा आपके पास रुख करूंगी। पंकज, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जोश, जुनून, उमंग, उत्साह, उल्लास आप देख रहे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। जश्न मन रहा है, अरविंद केजरीवाल का इंतजार किया जा रहा है, सीधे तिहाड़ जेल से वो अपने घर पहुंचेंगे जहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम इस वक्त उमड़ा हुआ है अपने नेता के स्वागत करने के लिए।